बात है, जहाँ एक तरफ बहुत सारे बड़े बड़े बैनर जहाँ पर 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 300-300 करोड़ क्लब में फिल्में बनाने तक पहुँच गए हैं, कमाई तक तो पहुँच ही रहे हैं। ऐसे दौर में अगर कोई बैनर, कोई प्रोड्यूसर एक साथ में 3 फिल्मों को लोगों के सामने, दर्शकों के सामने लेकर के आता है, तो बेहद वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और ऐसे मौके पर और एक बेहतरीन फिल्म बनाना, जहाँ पर आज बजट इतना हाई फाई हो चुका है, तो उसके साथ में 3-3 फिल्मों को लोगों तक पहुँचाना अच्छे म्यूज़िक के साथ में, अच्छे कंटेंट के साथ में, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में, ये बहुत बधाई की बात है। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इनको, और मैं चाहता हूँ कि ये सारी फिल्में सक्सेस हों, लोग इनको देखें और सराहें, ताकि इनका हौसला और बढ़े। आज इन्होंने 3 फिल्में बनाई हैं, कल ये 6 बनाए, 12 बनाए, 14 बनाए। थैंक यू सो मच। ताश के 52 पत्तों में 3 इक्के होते हैं, और फिल्में जो हैं बनती हैं, और फिल्मों में मैसेज होता है, हर आदमी का एक मैसेज होता है, वो आदमी कैसे एक एक दूसरे आदमी को जोड़ते हुए जाता है, जोड़ते जोड़ते पूरी टीम तैयार होती है, फिर वो फिल्में बन करके जब सामने आती हैं तो फिल्म के अंदर में एक मैसेज होता है, उस मैसेज को मैं देखता हूँ अपने नज़रिए से, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वो बेचारे आज भी स्ट्रगल करते हैं, जब फिल्में बनती हैं उनको काम मिलता है, तो जो आर्टिस्ट इतना कुछ लेकर के यहाँ पे आया, ऐसी फिल्में बने, ऐसे प्रोड्यूसर्स निकल कर के आए, सबको काम मिले, मेरी यही दुआएं हैं सबके लिए। और ये जो 3-3 फिल्में आ रही हैं, गेम स्टार्स और थोड़ा इश्क, थोड़ा ट्विस्ट, और उधर है हाँ झुमका गिरा रे, तो मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ सभी कलाकारों को, ऐसी फिल्में बनते रहें, सबको काम मिलता रहे, और फिल्में दिन दुगुनी रात चौगुनी हों। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मैं सिंगर हूँ,
और सिंगरों को वैसे भी कम बोलना आता है, ये एक्टरों का काम है, तो बस लफ्ज नहीं है। म्यूजिक कुछ बातें हुई, कुछ सोची रहना इन तीनों फिल्मों में गाते हुए या गुनगुनाते? इसमें मेरे एक भी गाने नहीं है, क्योंकि मैं करण की वजह से आया था। करण मेरा छोटे भाई की तरह है, और करण छोटे भाई की तरह है, दिल्ली से मेरे को जानता है, और करण ने बोला भाजी आना है, तो मैं बोला ठीक है ज़रूर आऊँगा। इस फिल्म में गाना नहीं है। हाँ, इसमें विवेक बख्शी मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है जिसने म्यूज़िक किया है, तो मैं विवेक को बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे गाने हैं, सो थैंक यू। और हमारे सुनील पाजी तो हमारे ग्रेट हैं, हमारे दोस्त जिगर के टुकड़े। और तोची रहना जी हो और गाना ना हो या संगीत ना हो तो पॉसिबल? ओ कबीरा मान, चलते चलते मैं ये जवानी है दीवानी का गाना आपको सुना देता हूँ, जो मेरा ही गाया हुआ है। टूटी चार पाई वही ठंडी पूर्वाई, रास्ता देखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही, रास्ता देखे रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया। थैंक यू। चलते चलते एक आखिरी सवाल, अभी हमारे शहीद सरहद पे मारे गए, हाँ जी, बारामूला का जो बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो सारी फौजी है, और मेरे फैमिली में मेरे लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेरे ताऊजी वगैरह रहे हैं, आज भी मेरे भतीजे वगैरह नेवी में हैं। और एक बड़ी दुख होता है कह करके कि जो बॉर्डर पे हमारे फौजी भाई लोग हैं, उनकी वजह से हम अपने घर में आराम से सोते हैं, और वो बेचारे जब शहीद होते हैं और जब टीवी खोल करके मैं देखता हूँ तो आंख में आंसू भर आते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिनसे हमारे फौजी भाइयों का हार्ट जो है वो दुखे। हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए और कोई भी कमेंट्स नहीं देना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू जी। सलमान जी ने, सलमान खान ने एक बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान के कलाकारों को रोका जाएगा तो क्या उससे आतंकवाद रुक जाएगा? क्या अगर वो आते रहेंगे तो क्या आतंकवाद? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे थॉट क्या कहते हैं। थॉट जो है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स हैं। पॉजिटिविटी हमें ये सिखाती है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत दूर तक चलें। नेगेटिविटी हमें ये सिखाती है कि हमें साथ चलना है या नहीं चलना है। तो सबसे देश पहले है ना, बाकी सब बाद में है। अगर देश ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जब आदमी ही नहीं होंगे, आदमी ही आदमखोर से आदमी बना है, तो कम से कम इंसानियत कहाँ चलेगी? वो इंसान कहाँ है जहाँ पे विचार खोते चले जा रहे हैं? तो हमारे लिए तो सबसे पहले देश है, हम अपने देश के बारे में सोचें। हाँ, देश के साथ में जब संधि होगा तो फिर सारे आर्टिस्टों को काम भी मिलेगा, पर उस टाइम तक नहीं, जब तक कोई आकर के हमारे मुल्क में हमारे फौजी भाइयों को ऐसे मार जाए और हम चुपचाप हाथ में चूड़ियाँ पहन के बैठे रहें, दुख होता है हमें। कहीं ना कहीं मतलब अभी उनको बैंड रखना चाहिए। हाँ, जब आपकी दोस्ती होगी तो फिर काम का सिलसिला तो होता ही है ना। पूरी दुनिया में काम का सिलसिला तभी होता है जब आप किसी से दोस्ती करते हो, और जब तक ऐसे वॉर हो रहे हो, ऐसे में पूरा टेंशन देश में चल रहा हो, और इस वक्त हम उन कलाकारों को याद करें, हमें इस वक्त सिर्फ देश के बारे में सोचना चाहिए और कुछ नहीं सोचना चाहिए, इसके अलावा कोई बात भी नहीं कहनी चाहिए, और जवानों के साथ खड़े रहना चाहिए, बस इतना कहूंगा। कुछ गलतियां हो गई हो मेरे से कहते हुए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत खुशी की बात है कि तीन फिल्में एक साथ में आ रही हैं, और तीनों यूथ ओरिएंटेड फिल्में हैं, तीनों का म्यूज़िक बहुत आज के ज़माने का है, कहानी आज के ज़माने की है, और सारे मसाले जो है वो आज के, क्योंकि रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, म्यूज़िक भी है, इमोशन भी है, और सस्पेंस भी है। तीनों में से सुनील पाल किस पे काम करना चाहेंगे? झुमका गिरारे, झुमका गिरारे में लव, कभी लव कभी ट्विस्ट, और गेम शुरू।
फ्रेम स्टार्ट। तो ये तीनों फिल्में मेरे अलग अलग दोनों की फिल्में और मैं समझता हूँ कि अलग अलग दोनों में काम करने में मुझे भी बड़ा मज़ा आता है क्योंकि सीखने मिलता है। एक ही साथ सब सब बोलते हैं मैंने आज नए आर्टिस्ट को लेके आज फिल्म चालू की। सब बोलते हैं आज नए आर्टिस्ट चलते नहीं चलते तो इंडस्ट्री में है कि नहीं इस तीनों फिल्म में नहीं वो हमारी नेक्स्ट फिल्म में करेंगे काम। जी बताइए आगे आगे बताइए। तो सब लोग बोलते हैं कि जूनियर नए आर्टिस्ट तो हम लोग नए सब नए आर्टिस्ट को लॉन्च कर रहे हैं आज सब सब जूनियर आर्टिस्ट जो सेट हो गए आज उनको लेके ही फिल्म बना रहे हैं। तो जो नए अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं जो उनको कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है कि सब सबको सब सबके लिए नई फिल्म है। शूटिंग की बात करें तो ये कब तीनों फिल्में कब स्टार्ट हो रही है और कलाकारों की बात करें मार्केट की बात कलाकारों की शूटिंग सबकी ख़त्म हो चुकी है रिलीज पे जाए नवंबर को और क्या कब तक रिलीज होगी कब तक नवंबर को रिलीज हो रही है दिवाली के बाद। और एक महत्वपूर्ण सवाल प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता पैसे बांट बांट के बूढ़ा हो जाता खैर आप जवान हो कैसा फील हुआ तीनों फिल्म बनाते बहुत बहुत अच्छी जर्नी थी हम लोग के लिए बहुत अच्छी जर्नी थी ये सब सब फ्लो पे निकल गया आज आज सब तीनों पिक्चर आज रेडी है मेरी बहुत अच्छा लग रहा है बहुत खुश हुआ आज। थैंक यू थैंक यू। यहाँ से शुरू करते हैं रोल रोल गए हाँ दिलीप जी क्या कहना चाहेंगे एक नहीं दो नहीं तीन मैं आपको एक बात कहते हुए मुझे बड़ा फक्र होता है कि तीन का जो आंकड़ा है लोग कहते हैं कि तीन तिगड़ा काम बिगड़ा मगर त्रिदेव होते हैं और तीन काल होते हैं उसी तरीके से ये हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से नहीं पूरी दुनिया में ये पहला बैनर है जिसने इतनी बड़ी हिम्मत की और हिम्मत के साथ सक्सेस के साथ तीनों फिल्में कम्प्लीट की और नए लोगों के साथ और जो बच्चों ने काम किया नए लड़का लड़कियों ने इवन ये हर चीज़ में मैंने ट्रेलर देखा अंदर ट्रेलर में मुझे कहीं ये नहीं लगा कि नया बैनर है या नया डायरेक्शन है या नया एडिटिंग है या नए लड़के काम कर रहे हैं। म्यूज़िक भी बहुत हिट है इनका गाने बहुत अच्छे लिखे गए हैं गाए बहुत अच्छे गए हैं पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा हुआ है और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने हिम्मत की तीन फिल्म बना के सुना है अभी एक दो फिल्म में और भी अंडर प्रोडक्शन इनकी चल रही है तो अगर ऐसे बैनर हमारी इंडस्ट्री में आएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को कोई जैसे अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री है इस तरीके से अगर बैनर आएंगे और इतनी हिम्मत से अगर फिल्में बनाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हर घर के अंदर एक इनकी तरह एक अच्छा बैनर खड़ा होगा। थैंक यू। झुमका गिरा की हीरोइन है इनका हम लोग रहे हैं आप ही जाइए बीच में सर झुमका मैडम आपका नाम जानना चाहेंगे और झुमका गिरा कहाँ कहाँ झुमका गिरा और कैसा रहा पूरा केमिस्ट्री और कैसी रही पूरी याददाश्त अगर फिल्म के शूटिंग के दौरान अगर कोई ऐसी बातें हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ जो अभी तक किसी को नहीं पता है झुमका गिरा रे के बारे में। जी जी मेरा नाम हर्षदा है और मैंने झुमका गिरा रे है गिरा रे में काम किया है। वेल आई हैड द मोस्ट फन टाइम व्हाइल शूटिंग फॉर दिस फिल्म और हाँ कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो बताई नहीं जाती हैं बट चलो आपको तो बता ही सकती हूँ सिंस आप हमारे लवेबल ऑडियंस जो है। वेल झुमका कहाँ कहाँ गिरा है ये जानने के लिए तो आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी ये मैं बताऊँगी तो फ़ायदा क्या है ना। फिलहाल तो अभी पोस्टर लॉन्च हुआ है तो फिलहाल एक झुमका तो यहाँ गिर ही गया है वो तो आप देख ही रहे हैं। और कुछ मेमोरीज ऐसी थी कि ये जब आपका शूट होता है कोई भी शूट होता है या पूरा जो क्रू होता है वो आपकी एक फैमिली बन जाती है मतलब आप कुछ दिन तक आउट ऑफ टाउन रहते हो आपकी फैमिली के साथ नहीं रहते हो तो यही लोग हैं जो आपका केयर करते हैं आपकी आपके हीरोज़ आपके डायरेक्टर आपके स्पॉट दादा ये लोग आपका ख्याल रखते हैं। स्पॉट दादा तो भाग के आते हैं आपने खाना खाया मैडम आपने पानी पिया आपको चाय चाहिए सो इट्स लाइक यू नो यू फील लाइक पैम्पर्ड। चल रहा है कि नॉटी किरदार होगा किस प्रकार का है किरदार
जी आपने बिल्कुल सही पहचाना, मेरा वैसे बबली और नॉटी कैरेक्टर है, बट बाद में मैं एक मैच्योर लेडी बन जाती हूँ कि एक मतलब एक टफ फेज से गुजरती हूँ, तो इंसान कैसे बनता है और कैसे मैं स्ट्रांग बन के उन सारी सिचुएशंस को फेस करती हूँ, इट्स ऑल अबाउट दैट। हर्षदा कितनी उम्मीद है इस फिल्म से, झुमका गिरा रहे? उम्मीद तो काफ़ी सारी है क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही डिफरेंट है और देखते हैं, लेट्स बी पॉजिटिव। खबरों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार खबर मिली है कि हर्षदा अपने आप को ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी कहलाना पसंद करती है, क्या ये सच है? जी अभी तक मैंने तो ये रूमर नहीं स्प्रेड किए, पता नहीं, देखना पड़ेगा किसने ये रूमर स्प्रेड किए। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू प्रोड्यूसर सर। फील दैट